मीडिया पर आए दिन अपने किसी न किसी पोस्ट को लेकर, वायरल होने वाले पोस्ट को लेकर राखी सावंत जो है ट्रेंड में बनी रहती हैं। और एक बार फिर से ट्रेंड में है राखी सावंत की कुछ वीडियोस, जिसे उन्होंने इंस्टाग्राम पर खुद ही फैंस के बीच शेयर किया है। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम राखी सावंत को लेकर। ये इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे करोड़ों की संपत्ति की मालकिन राखी, 15 करोड़ की संपत्ति की इकलौती मालकिन राखी सावंत, NRI रितेश के साथ शादी की पुष्टि कुछ फोटोज के जरिए करते नजर आए। शादी हो चुकी है उनकी, ये बात उन्होंने कहा। बेटी भी है उनकी, ये बात उन्होंने हंसी मजाक में कहा। लेकिन प्रेगनेंसी को लेकर राखी सावंत फिलहाल कोई भी प्लान नहीं बना रही हैं। सवाल ये फैंस का आया, क्या राखी अपने हस्बैंड के साथ लाइफ टाइम अपनी शादी को मेंटेन करके रखेंगी? क्या मैरिज और लाइफ राखी सावंत कर रही है एंजॉय? क्या वाकई में कोई उनका हस्बैंड है या फिर ये भी राखी का सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है हमेशा की तरह? तो इससे जुड़ी खास प्रोग्राम के बेहद स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको वाकिफ कराएंगे राखी के उस स्टेटमेंट से, जिसमें राखी ने अपने हस्बैंड की तारीफ की, साथ ही साथ राखी ने अपने हस्बैंड को लेकर एक और बड़ा ही चौंकाने वाला राज खोल दिया है। तो वो सुनकर आप भी झटके में पड़ जाएंगे। जी हाँ, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। तो चलिए बिना इंतजार किए हुए हम बढ़ते हैं बेहद ही खास प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हम जानेंगे राखी सावंत को लेकर जो नई अपडेट आई है, हम जानेंगे राखी को लेकर जो नई खबर आई है उसके बारे में, राखी सावंत के स्पेशल जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट फिर चर्चा में है उससे हम वाकिफ होंगे। तो फिर देखते हैं ये बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, अभी हाल ही में राखी सावंत ने जो कहा है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। राखी ने हमेशा से ही अपनी लाइफस्टाइल को खोलकर एंजॉय करने के साथ खोलकर ये बातें शेयर की हैं। राखी को लेकर हाल ही में एक स्टेटमेंट वायरल हुआ है। उन्होंने कहा, आखिर अपने पति के करीब वो क्यों नहीं आती। एक वीडियो राखी ने शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी थी, जो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। पहले तो राखी ने कहा, प्यार हवा में है, मेरे दिल में है, कौन है मेरा नया प्यार, जिसके लिए धड़के दिल बार बार, आप सबके लिए सरप्राइज, ये मेरे पति के बारे में नहीं, राखी न्यू लव, नो टाइम फॉर नो लव। वल, राखी सावंत ने यहाँ पर अपने प्यार को लेकर खुलासा किया है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट नहीं पब्लिक रखना चाहती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खुले किताब की तरह है। राखी सावंत के इस स्टेटमेंट ने तो हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं आपको बताना चाहेंगे, राखी अपने पति से दूर रहती हैं, ये उनका कहना है। आउट ऑफ इंडिया उनके हस्बैंड रहे NRI होने के नाते, इसी कारण राखी अपने ज़िंदगी विदेश में शादी के बाद वापस इंडिया लौटकर अकेली गुजार रही हैं। राखी ने ये भी जानकारी हाल ही में दी कि फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कि उनके साथ गलत हरकत करते नज़र आए, उनके बिना उन्होंने अगर आज अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है तो वो अपने कारनामों की बदौलत कर चुकी हैं। 28 जुलाई को मुंबई के JW मैरियट में शादी रचाने के बाद राखी सावंत जो काफ़ी ज़्यादा अपने पति को लेकर खुश नजर आई, मीडिया और कैमरा से दूर रहने वाले इनके पति राखी के बर्थडे पर भी इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि मीडिया और कैमरा की नज़रें तो राखी के बर्थडे पर भी उनकी पार्टी पर थी। वेल, सही समझा आपने, राखी के पति, उनके हस्बैंड उनके बर्थडे पर भी शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें मीडिया के सामने कैमरा के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कि राखी सावंत जो है बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को खुले किताब की तरह रखना पसंद करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने हस्बैंड को लेकर कुछ और भी स्टेटमेंट्स दिए थे, जिससे हम आपको वाकिफ ज़रूर कराना चाहेंगे। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। वी जस्ट वेटिंग फॉर सम फ्यू पीपल।
या डॉलर इज कमिंग विद द ट्रंप इसको मैंने से कहा तुझे बर्गर फ्री मिलेंगे ये कहते मुझे हॉट डॉग्स चाहिए सिंदूर लगा दिया प्रियंका चोपड़ा ने लगा दिया बिपाशा ने लगा दिया सिंदूर विराट की बीबी कौन है अनुष्का ने लगा दिया आजकल सिंदूर सिंदूर बहुत चल रहा है भैया सब हमको बहुत कॉपी कर रहे हैं लगता है पहले पहले कुछ अपना भी करो हम सिंदूर लगा दिए तो सब सिंदूर लगा दिए पहले राखी डांस कर रही थी सब डांस सब डांस करने लगे हमने स्वयंवर रचा तो सब स्वयंवर रचा रहे हमने अच्छे अच्छे ब्रांड हो ना ये सिंदूर का कॉपीराइट तो हमको ही जाना चाहिए क्या कर रहा है पहले मैंने ही लगाया क्योंकि हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं क्या ना ना अच्छा कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं था कॉपीराइट आएगा अरे वो लंदन वाला नंबर भी नहीं दोनों भेज देंगे जरी तो दिखती नहीं है उसमें मेरे अभी मोबाइल में दिखा दूंगी ना कितनी डेटे हैं हम झूठ नहीं बोल रहे कितने आज की डेट मांगी थी बट आज मेरे भाई का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना ये देखो डेटे देखो क्या मांगी है 22nd आज 22nd है लेकिन हमारे पति ने मना कर दिया मेरे पति ने कहा सलमान खान के गांव पति को लेकर आओ स्टार्टिंग में कहा था कि अपने हस्बैंड के साथ अंदर जाओ मेरे हस्बैंड ने बोला कितना भी पैसा देंगे तो हम अंदर नहीं जाएंगे अगर मुझे बिग बॉस में डालते हैं तो मैं एक कंटेस्टेंट के साथ अंदर जाना चाहूँगी बाबा रामदेव के साथ और अंदर जाकर उनके साथ योगा करना चाहूँगी अच्छा पेट बोले पेट ही हिलाते पता नहीं कहाँ कहाँ हिलाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग मैं मेरा भाई हम लोग बचपन से ही इस इंडस्ट्री में है और आप लोगों का हमेशा साथ मिला कोई हमारे गॉडफादर नहीं कोई हमारा सपोर्ट नहीं सिर्फ आप लोगों ने हमको सपोर्ट दिया इसलिए हम भाई बहन हम यहाँ तक पहुंचे हैं सिर्फ आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ मेरी जनता और मेरी मीडिया और ईश्वर और मेरी माँ इनके आशीर्वाद से हम दोनों भाई बहन इस इंडस्ट्री में लड़खड़ाते हुए भी कैसे भी हम लोग खड़े हैं आप लोगों के आशीर्वाद से हाँ इस फिल्म के बारे में बताना चाहूंगी मेरा भाई राकेश बहुत ही मेहनत कर रहा है हर इंसान मेहनत करता है पर वो बहुत बहुत मेहनत कर रहा है कि हम हर वक्त एक अच्छी फिल्म बनाए बट इस बार आई रियली प्राउड ऑफ हिम कि ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई उन्होंने जैसे जो मार्केट में चल रही है आजकल क्या बट ये जो धारा मुद्दा 370 पे जो फिल्म बनाई है रियली बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी बहुत अच्छी है जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलता कभी भी ट्रेलर देखकर इसे आई डोंट थिंक सो के जज करना चाहिए बट ट्रेलर बहुत अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा और
फिल्म्स हमेशा मार्केट में दर्शकों के पास आनी चाहिए। सिर्फ एक टाइप की फिल्म्स ऐसे भी देख देख कर लोग बोर हो गए हैं, एकदम बोल्ड फिल्म देखकर लोग बहुत बोर हो गए। जी हाँ, ये था हमारा आज का बेहद खास प्रोग्राम बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्शी क्वीन राखी सावंत को लेकर। हमने राखी सावंत के कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, उनकी कॉन्ट्रोवर्शियल मैरिज अफेयर और साथ में वीडियोस की वायरल की बात की, पिक्चर्स की बात की, बात की हमने उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट की। वक्त हो चला है अब आपसे यही इजाजत लेने का, बहुत जल्द लौटेंगे आपके बीच फिर नई खबरें लेकर बॉलीवुड टाउन, टीवी टाउन, ट्रेंडी वायरल अपडेट्स के साथ। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। मुझे यहीं दीजिए इजाजत, नमस्कार।